Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. चौधरी इश्फाक अहमद गुज्जर साहब जो कि गुंगे बहरे बच्चों के सदर हैं, ट्रस्ट प्लाजा में डेफ वेलफेयर सोसाइटी के डेफ वेलफेयर सोसाइटी का दफ्तर बनाया हुआ और उसमें गुंगे बहरे अफराद की बेहतरी और भलाई के लिए काम करते हैं। आज इश्फाक साहब और इनके साथ ही सरगोधा के एक गांव में गए जहां इनको एक 80 साल गुंगी बहरी औरत से इन्होंने मुलाकात की। ये उसके घर गए। इस औरत से इश्फाक साहब को मिलकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इश्फाक साहब ने उसकी ज़िंदगी के बारे में जब उससे पूछा तो उस औरत ने बताया कि मेरे दो बेटे थे और मियाँ ने मुझे तलाक दे दी थी। खावन की तलाक के बाद मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा, बहुत मुश्किलों से उनको बड़ा किया, उनकी शादी की। जब मैंने उनकी शादियां कर दी तो वो अपनी अपनी बीवियों को लेके वो अलग चले गए और अब मैं बिल्कुल अकेले अपनी इस बुजुर्गी की उम्र में वक़्त गुजार रही हूँ। मेरे हमसाए लोग जो हैं वो मुझे खाना दे जाते हैं, कभी कोई आके मुझे दिन में खाना दे जाता है। इस तरह मेरी ज़िंदगी के दिन जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। चौधरी इश्फाक अहमद गुज्जर साहब ने इस औरत को गर्मी का, क्योंकि इस वक्त मौसम है तो उसके पास कपड़े भी कम थे, तो इश्फाक अहमद साहब ने उसको गर्मियों का एक सूट और साथ पैसे उसे तोहफा दिया। ये तमाम जो इमदाद है ये सारी समुंदर पार हमारे पाकिस्तानी भाई जनाब जैगम सदीकी साहब ने तोहफा भेजी हुई थी, जिसमें से चौधरी इश्फाक अहमद गुज्जर साहब ने इस परेशान औरत को कपड़े और पैसे तोहफा दिया। और इश्फाक अहमद गुज्जर साहब की तरफ से तमाम साहिब इस्तेआत भाइयों से गुजारिश है कि इस औरत की दिल खोल कर मदद करें, क्योंकि इसकी जो है नज़र का भी मसला है, इसने अपनी आंखें मरवानी है और वैसे भी इस उम्र में बहुत ज़्यादा कभी कोई तकलीफ कभी कोई परेशानी होती है। तो बहरहाल तमाम साहिब इस्तेआत भाइयों से गुजारिश है कि वो दिल खोल कर इस औरत की मदद करें। बहुत शुक्रिया।
Ah, ah, ah.